आप सबका स्वागत करती हूँ बाहवा क्रिएशन के आपके अपने चैनल पे। आज के ट्यूटोरियल में हम वायर रैपिंग इयररिंग्स की ऐसी एक डिजाइन सीखेंगे। इस डिजाइन में हमने जो टेक्निक यूज किया है उस टेक्निक के साथ आप नॉर्मल से वायर के साथ अलग अलग फॉर्म जो है वो सिमेट्रिकल कैसे बना सकते हो और उसका उपयोग आप इयररिंग और ब्रेसलेट बनाने के लिए कैसे कर सकते हो, ये टेक्निक आप इस पूरे ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो आप ये जो वीडियो है स्किप न करते हुए पूरे शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत फायदेमंद हो सकता है। और ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो में जो मटेरियल हमने यूज किया है वो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हो। इस वीडियो में जो मटेरियल हमने यूज किया है वो आपको 200 के कॉम्बो में मिल जाएगा। उस 200 के कॉम्बो में आप वो मटेरियल यूज करके इयररिंग और ब्रेसलेट के दो सेट बना सकते हो। और भी अगर मटेरियल आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाहवा मार्ट की इंस्टाग्राम की एक लिंक मैंने दी हुई है, वो लिंक पे क्लिक करके भी आप अलग अलग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हो। इस वीडियो के साथ जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही क्रिएटिव और इनोवेटिव कंटेंट मेरे चैनल पे आपको इसके आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए सीखते हैं वायर रैपिंग इयररिंग की बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव इयररिंग कैसे बनाए जाते हैं। वायर रैपिंग इयररिंग बनाने के लिए हमें इस प्रकार रॉ मटेरियल लगेगा। यहाँ पे हमने इयररिंग बनाने के लिए जो हमने यहाँ पे शेप बनाया बीच में उसके लिए हमने 22 गेज गोल्डन पॉलिश वायर यूज़ की हुई है। वैसे ही रैपिंग के लिए हम 30 गेज गोल्डन वायर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें 14 गेज वायर के ऐसे दो पीस लगेंगे, करीब करीब 5 इंच लॉन्ग आप ले सकते हो। इसकी जो लेंथ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। वैसे ही गोल्डन हमने वायर ली है तो गोल्डन बॉल पिन्स भी लगेंगे हमें, और उसके साथ साथ 6 mm साइज़ के गोल्डन क्रीम कलर के पर्ल लगेंगे। 2.5 mm साइज़ के गोल्डन क्रीम कलर के पर्ल्स लगेंगे। ये इयररिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले 22 गेज बंडल में से कुछ वायर जो है इसे लूज करके लेनी है, और यहाँ पे हम एक 14 गेज वायर का पीस उठाएंगे और उसके ऊपर हमें ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे वायर रखना है और दो से तीन सिर्फ ऐसे लूप लगाने हैं इस प्रकार। अभी हमें ये वायर लेना है दूसरा, और उसको इस तरीके से रखना है, मीन्स ये अंदर से वो पीछे की तरफ ऐसे आनी चाहिए। अभी हमें यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है और बीच वाले गैप में से ऐसे लूप लगाना है, और फिर हम ये टाइट पकड़ेंगे क्योंकि ये दोनों वायर का जो डिस्टेंस है वो हमारा सेम ही रहना चाहिए जब हम इसके ऊपर लूप बनाएंगे। अभी हमने ऊपर की जो वायर है उसके ऊपर लूप बनाया, अभी पीछे से हम नीचे के वायर के ऊपर इस तरीके से ऐसे लूप बनाते हुए जाएंगे। ये हमने 1 और 2 लगाए, वैसे ही नीचे भी हम लगा लेते हैं। ऐसे ही ये हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड से आपको ये दोनों वायर एकदम टाइट पकड़नी है, तभी आप ये डिस्टेंस जो है इवनली मेंटेन कर सकते हो। तो इस प्रकार एक के आगे एक ऐसे हमें इसको रैप करते हुए जाना है
इस प्रकार ये रैपिंग जो है ऐसे दिखेगा। आप पीछे से भी इसको देख सकते हो, तो इस प्रकार दिखेगा। ऐसे हमें यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे दोनों वायर के ऊपर, दैट मीन्स ऊपर और नीचे, ऐसे हमें 20 लूप्स जो है वो लगा के लेने हैं। तो वो मैं करके ले रही हूँ। यहाँ पे हमने ये 20 लूप्स लगाए। अभी हम ये वायर जो है एक्सेस वो कट कर देंगे। कट करते हुए थोड़ा सा हमें 1 सेंटीमीटर रखना है और फिर हमें यहाँ पे ये कट कर देना। 14 गेज के वायर जो है वो हम निकाल लेंगे और यहाँ पे ये पीस जो है ऐसे बाहर निकल के आएगा। अभी हमें ये पीस जो है दोनों तरफ ऐसे खींचना है, थोड़ा थोड़ा ही खींचना है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, और एक एक लूप जो है वो हमें ऐसे इस तरीके से फ्लैट करते हुए जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से ये डिजाइन जो है बनती जाएगी। सेम यहाँ पे हम हर एक लूप जो है ऐसे ही फ्लैट करते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट करके लेंगे। जब हम फ्लैट नोज प्लायर के साथ सब एक एक लूप जो है फ्लैट करते हुए आएंगे, तो इस प्रकार ये एकदम सिमेट्री डिज़ाइन ऐसे रेडी हो जाएगी। अभी हमें ये हमने एक पैर के लिए पीस बनाया, तो ये इयररिंग बनाने के लिए हमें 10 ऊपर के और 10 नीचे के ऐसे एक पैर के एक पीस के लिए हमें कट करके लेना है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने एक्सेस वायर छोड़ी थी वो हम बेंड नोज प्लायर के साथ ऊपर की तरफ ऐसे उसको बैकवर्ड बेंडेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है एक्सेस कट करेंगे और राउंड नोज प्लायर के साथ यहाँ पर एक लूप बनाएंगे ताकि हम बाद में इसको इयररिंग के हुक में हैंग कर सकते हैं। और नीचे जो हमने स्टार्टिंग में 2 राउंड लगाए थे उसमें से हमें सिर्फ 1 राउंड लेना है और एक्सेस वायर जो है वो हमें यहीं पर ही कट कर देनी है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली लूप जो है बनेगा। ये देखिए, इस प्रकार बनेगा। अभी हम काउंट करते हुए आएंगे और इसमें से हम सिर्फ 10 लूप जो है वो रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 होने के बाद जो बीच वाला जो है वो हम कट करेंगे और 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और एग्जैक्टली बीचों बीच हमें कट करना है। यहाँ पे हमने इसको कट किया तो ये बराबर से 2 हिस्सों में ऐसे बट जाएगा और लेंथ जो है वो भी इवन डिस्ट्रीब्यूट होगी। अभी हमें सिर्फ लास्ट जो हमने कट किया था उस लूप को हमें ऐसे क्लोज कर देना है। तो ये बेस जो फायर के वो यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। दोनों तरफ हमें जो पर्ल का रैपिंग किया है वो हमें करना है, तो उसके लिए 30 गेज का जो वायर है उसमें से 1.5 फीट का वायर का एक पीस एक इयररिंग के लिए कट करके लेना है। दोनों एंड मैच करके इसका हमें सेंटर निकालना है और इसको रैपिंग करने के लिए हम नीचे वाले हिस्से से हम रैपिंग स्टार्ट करेंगे। ये लूप जो है हम ओपन करेंगे, इसमें हम सेंटर ऐसे डाल के ये क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमें इस लूप के अंदर ऐसे 2 लूप लगाने हैं ताकि ये सेंटर बाद में हमारा हिलेगा नहीं। इस प्रकार ये दोनों तरफ जो है वायर के एंड्स हमारे पास आ गए। अभी हमें राइट साइड की जो वायर का एंड है वो हमें इस तरफ ऐसे इस लूप में यहाँ पे 2 लूप ऐसे लगाने हैं। और यहाँ पर हमें ये जो बीच वाला गैप है उसी हर एक गैप में एक एक पर्ल जो है वो रैप करते हुए आना है। तो हमें यहाँ पे ये जितने आपने लेंथ ली होगी उतने पर्ल्स, जितने गैप है उतने हमें दोनों तरफ के वायर में पिरो के लेने हैं।
तो दोनों तरफ के वायर के एंड में हम 2.5 के पर्ल्स जो है वो पिरो के लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों तरफ 10-10 पर्ल जो है हर एक वायर में पिरो के लिए है, और ये बाद में निकलने नहीं चाहिए, इसलिए एंड जो है इस प्रकार हम लॉक करके लेंगे। और अभी हम एक्चुअल रैपिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे दोनों तरफ, जहाँ पे ये जो गैप है उस गैप में ये ऐसे पर्ल जो है फिट करेंगे, और ये वायर जो है इस दो लूप के बीच में जो गैप है उस गैप से हम निकालेंगे और दो बार रैप करेंगे तो ये पर्ल फिट हो जाएगा। एट ए टाइम हमें दूसरी तरफ का भी एक पर्ल लेना है, इस प्रकार इसी गैप में फिट करना है, और इस तरफ की जो गैप है ये दो के लूप के बीच में उस गैप से हम ऐसे टाइट करते हुए इस तरफ का फिट करेंगे। सेम वही प्रोसीजर हमें हर एक गैप में पर्ल फिट करने के लिए यूज करनी है, और आपको ध्यान रखना है कि ये हर एक पर्ल जो है वो टाइटली पैक होना चाहिए, और एट ए टाइम हमें दोनों तरफ जो है ये रैपिंग करते हुए ही आना है। इस प्रकार हर एक गैप में हम एक एक पर्ल फिट करके ये सेम प्रोसीजर एंड तक हम रिपीट करेंगे। यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों तरफ अच्छे से रैप होके ये इयररिंग की डिज़ाइन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अभी हम एक्सेस वायर के एंड जो है यहीं पर ही कट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने दोनों तरफ दो दो लूप लगा लिए हैं तो ये बाद में निकलेंगे नहीं। जैसे हमने एक रैप किया था वैसे ही हमने पेयर का जो दूसरा पीस है वो भी हमने रैप करके लिया है। वैसे ही यहाँ पे मैंने ईयर हुक की एक पेयर 22 गेज वायर में से ही ऐसे रेडी करके ली है। ईयर हुक की पेयर अगर आपको नहीं बनानी आती तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप वो ट्यूटोरियल देख के ये कैसे बनाते हैं वो भी आप सीख सकते हो। वैसे ही एक बॉल पिन कट करके हमने यहाँ पे एक एक 6 mm साइज का पॉल डाला हुआ है। नीचे जो हमारा पोर्शन है उस लूप में एक बॉल पिन 6 mm पॉल के साथ ऐसे अटैच करनी है। तो यहाँ पे जो हमने नीचे हैंगिंग बनाया वो रेडी हो जाएगा। वैसे ही दूसरा जो पीस है उसको भी हम 6 mm का पॉल जो है अटैच करके लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों पर्ल हैंगिंग किए हैं, और अभी सिर्फ हमें ईयर हुक जो है इसके साथ अटैच करना है। तो ईयर हुक हम ओपन करके इसमें डाल के इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत से ईयरिंग जो है रेडी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमने ये इयररिंग बहुत ही आसान और सिंपल टेक्निक के साथ यहाँ पे रेडी किए हैं, आप ज़रूर ये करके देखिएगा। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक ब्रेसलेट की भी डिज़ाइन रेडी की है, सेम टेक्निक आपको यहाँ पे फॉलो करना है तो आप इस तरीके का सेट जो है वो आप बना सकते हो। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही क्रिएटिव और इनोवेटिव कंटेंट के साथ मैं आपको इसके आगे भी ऐसे ही मिलती रहूँगी। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।